अग्निपथ योजना 2022 क्या है, इसमें आवेदन कैसे करें, इस योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, इस योजना के लिए पात्रता क्या है, आवेदक को कितना सैलरी मिलेगी। अगर इस तरह के सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अग्निपथ योजना 2022 की शुरुआत वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून 2022 को शुरू किए। इस योजना की शुरुआत भारत के उन युवाओं के लिए की गई है जो देश सेवा करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक युवाओं को इस योजना के तहत 4 साल के जाप पर थल सेना, वायुसेना और जल सेना में भर्ती किया जाएगा। इसमें कम से कम 17.5 वर्ष तथा अधिक से अधिक 21 वर्ष के युवा ही भाग ले सकेंगे। परंतु मोदी सरकार ने लॉकडाउन के बेरोजगार युवाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 23 वर्ष कर दी है। इस योजना के अंतर्गत 3 साल तक अग्निवीर को 30,000 का वेतन दिया जाएगा, चौथे साल में 40,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया 90 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी और इस अग्निपथ पहली बैच 2023 में कार्यरत की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 25,000 से 50,000 तक अग्निवीरों की भर्ती ली जाएगी। इसमें महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस योजना से युवाओं को क्या लाभ मिलेगा, तो जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। जो आवेदक सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। इस योजना से देश के युवाओं को जॉब मिलेगी और बेरोजगारी की दर कम होगी। इसमें अग्निवीर को 1 करोड़ की रक्षा पेंशन भी मिलेगी। यह जॉब मात्र 4 साल के लिए ही होगी। इसके साथ ही बहुत सारी स्किल भी सीखने को मिलेगी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को अच्छा वेतन मिलेगा। जब अग्निवीरों का कार्यकाल 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो 25% अग्निवीरों को अस्थाई जवान नियुक्त किया जाएगा तथा 75% अग्निवीरों को 12 लाख देकर के रिटायर कर दिया जाएगा तथा पेंशन नहीं मिलेगा। कुछ सूत्रों की माने तो भारत सरकार का कहना है कि नई अग्निपथ योजना मौजूदा जवानों की खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वर्तमान में जवानों की जो भर्ती प्रक्रिया है को नहीं बदला जाएगा। अगले 90 दिनों में अग्निपथ योजना के तहत 46,000 भर्तियां निकाली जाएगी। आर्मी में 40,000, एयरफोर्स में 3,500 तथा नेवी में 2,500। अग्निपथ योजना 2022 के विशेष नियम, हर अग्निवीरों की सैलरी में 30% की कटौती की जाएगी। यदि सैलरी 30,000 है तो 9,000 काटकर कॉर्प्स फंड में जमा हो जाएंगे तथा उतनी ही राशि सरकार भी जमा करेगी और अग्निवीरों को 21,000 प्रतिमाह मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों के साथ क्या होगा, तो अभी वीडियो में बने रहें। इन 75% अग्निवीरों के लिए नौकरी पाने के लिए बनेंगे दूसरे बेहतर विकल्प। निपुण अग्निवीरों को बड़ी कंपनियां करेगी हायर, राज्य सरकार की पुलिस व सहयोगी बलों की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता, CAPFS और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता,
अग्निवीरों के लिए शुरू होंगे ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, जो देश व विदेश में उनकी मिलेगी मान्यता। आवेदन के लिए इच्छुक युवाओं के लिए जरूरी दस्तावेज 10th तथा 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो तथा मोबाइल नंबर की मुख्यतः आवश्यकता होगी। देश के युवा को ये स्कीम नहीं भा रही है, देशव्यापी आंदोलन जारी है। क्या सरकार इस स्कीम को वापस ले लेगी? कब थमेंगे देशव्यापी आंदोलन? आगे समय ही बताएगा। जय हिंद।